आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार की सुविधाओं जैसे स्कूल, पुलिस मेस आदि में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हो सकता है कि आप इसके बारे में ज्यादा उत्सुक ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इन सुविधाओं में भोजन की गुणवत्ता दयनीय है। आधे पकी रोटियां और चावल पानी वाली बेस्वाद दाल के साथ परोसे जाते हैं। भोजन में बालों की किस्में होती है। आप जानते हैं कि सरकारी सुविधाओं में खाना असंभव है। इससे संबंधित एक घटना हुई। मनोज कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस बल में एक पुलिसकर्मी है। 10 अगस्त 2022 को मनोज कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां उनके हाथ में खाने की थाली है जिसमें दाल, रोटी और चावल शामिल थे। वह थाली पकड़कर रो रहा था। वह दूसरों के सामने खाने की खुलकर आलोचना कर रहा था। वह कह रहा था, चावल और रोटी आधी पकी हुई है, रोटी अध पकी है, दाल स्वादहीन और पानी वाली है। मैं एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में 15 घंटे कड़ी मेहनत करता हूं। मेरे माता पिता गरीब हैं। अगर हमें उचित भोजन दिया जाए तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी मेहनत के लिए इतना घटिया खाना देना क्या सही है? हमें उचित आहार नहीं मिलता, इसे जानवर भी नहीं खाएंगे, मैं इसे कैसे खा सकता हूं? उसने दूसरों को खाने के लिए खाना भी दिखाया। एक अन्य पुलिसकर्मी ने उसे समझाने और वापस लेने की कोशिश की, क्योंकि उसे मुंह खोलने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी। आखिरकार उन्होंने खाने की गुणवत्ता के बारे में लोगों के सामने खुलकर बात करने का फैसला किया। रोते हुए उसने सवाल किया कि उन्हें इतना कम गुणवत्ता वाला खाना क्यों खिलाया जा रहा है, जबकि यूपी सरकार पहले ही पौष्टिक आहार के लिए फंड मुहैया करा चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कुमार का अनुशासनात्मक मुद्दों का इतिहास रहा है और उन्हें अतीत में 15 बार दंडित किया जा चुका है। हालांकि आरोप सही है या प्रचार था, यह पता लगाने के लिए मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कैंटीन प्रबंधक ने कहा कि कुमार आदतन भोजन की गुणवत्ता को लेकर अनावश्यक हंगामा करता है। रोने की यह घटना कोई नई बात नहीं है। यह सच है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आपको क्या लगता है, सभी सरकारी सुविधाएं इतनी औसतन दर्जे का भोजन उपलब्ध कराती है या प्रबंधन करने वाले लोग गलत थे? पुलिस वाला झूठ बोल रहा है? अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और इसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए।